हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं, पांडा का पैनल है 39 इंच का। इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं, हाफ पिक्चर हमारी ओके है और हाफ पिक्चर नहीं है। ठीक है, हल्की हल्की लाइन भी आ रही होगी, देखिए ऊपर एकदम डल में पिक्चर है, पिक्चर दिख नहीं रहा है। और इसका स्केलर नंबर आपको दिखा दूँ, पांडा का जो है यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टिकर से आधा दबा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी लिखा हुआ है देख सकते हैं। ठीक है, ये पैनल देख सकते हैं 39 का है। ये पैनल बहुत सारी टीवी में लगा रहता है, जो 39 का रहता है। हमारा जो टीवी रहती है 39, 40 भी लिखा रहता है उसमें भी लगा रहता है, लेकिन पैनल का जो ओरिजिनल साइज है 39 है। ठीक है, देख सकते हैं, इसमें साइड में भी दो कॉफ दिया हुआ है, साइड कॉफ, और इधर मेन अपना चार कॉफ दिया हुआ है। ठीक है, दो अपना दो स्केलर पट्टी है, एक ज्वाइंट है स्ट्रिप से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम, जो हमारा आधा आधा जो आ रहा है। देखिए अभी धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है, यहाँ से चेंज करने पे भी ऊपर नहीं होगा चेंज, सिर्फ नीचे हो रहा है। देखिए दोस्तों, पहले आपको स्केलर में जो है मेन वोल्टेज चेक कर लेनी है। ठीक है, ये यह हमारे यहाँ VGS लिखा हुआ है, एक मिनट दिखा दो आपको, यहाँ VGS लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ ये VGS लिखा हुआ है, यहाँ देख लेनी 28 वोल्ट 29 वोल्ट आता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा आ रहा है, और VGL भी चेक कर लेनी है आपको। VGL कहाँ है आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा VGL है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा VGL है, VGL -6 वोल्ट आएगा, ये भी हमारा आ रहा है। और यहाँ जो है हमारे AVDD का आ रहा है, यहाँ आता है। ठीक है, हमारा AVDD का ये ट्रांजिस्टर पे देख सकते हैं, AVDD 15 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा स्केलर एकदम परफेक्ट है, काम कर रहा है। तो चलिए इसका इसका वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए ये हमारा जो कॉफ नंबर है देख सकते हैं, ठीक है, ये जो हमारा कॉफ नंबर है, इसको साफ कैसे करना है, ये जम्पर चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए इसको साफ करना पड़ता है। ठीक है, हल्के हल्के से ब्लेड के हिसाब से, ब्लेड की मदद से साफ करेंगे, नहीं तो कफ हमारा खराब हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे साफ हुआ। कभी कभी हमारा कैमरा ब्लर हो जा रहा है, तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतना ये बहुत छोटा कफ है, इसको जूम करके दिखाने में होता ही है। ठीक है, साफ करने का तरीका आपको बता दिया, बहुत बारीकी से साफ करना है। तो ये दोनों हमने पहले साफ रखा है। ठीक है, और यहाँ ये जो है हमारा विजेट पॉइंट है। ठीक है, डेटा में भी देख सकते हैं आप, विजेट पॉइंट ये विजेल पॉइंट है, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा विजेल है। ठीक है, ये वाले में, और यहाँ VGS होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पैनल जो है चालू है। ठीक है, यहाँ जो आधी आ रही है, यानी इस पे हमारा कनेक्शन आ रहा होगा, इधर नहीं आ रही है, तो इधर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देख सकते हैं, चेंज करके भी दिखा दो, तो यहाँ हमारा ये VGS पॉइंट है, एक मिनट, यहाँ नहीं आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आ नहीं रहा है वोल्टेज कुछ भी। यहाँ अगर नहीं आएगा तो पिक्चर चालू नहीं होनी चाहिए, देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ VGS आनी चाहिए, क्योंकि VGS नहीं आ रहा है। अब पिक्चर कैसी आ रही है, जब यहाँ VGS नहीं आ रहा है हमारा, पिक्चर भी आ रही है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, पिक्चर नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन पिक्चर आ रही है। तो हमारे हिसाब से सिर्फ यहीं पे VGS ज्वाइंट करने पे हमारा पूरा पैनल चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी चेक कर लूँ, यहाँ भी, जब ये वहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ भी नहीं आएगा, देखिए दोस्तों, और यहाँ तो VGS आना चाहिए, एक मिनट, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तो VGS उसमें भी नहीं था, यहाँ देख सकते हैं VGS हमारा आ रहा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वापिस में VGS आ रहा है। तो चलिए पहले यहाँ VGS ज्वाइन करते हैं, देख सकते हैं, कॉप दिखा दूँ आपको, देख सकते हैं ये वाले पिन पे, एक मिनट, ये वाले पिन पे VGS आएगा, तो यहाँ ज्वाइन करके देखते हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा, ये हाफ पिक्चर नहीं चलनी चाहिए, जब VGS नहीं आ रहा तो हाफ नहीं चलनी चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो VGS आता है ना यहाँ से, ठीक है, ये VGS यहाँ से आता है, ये IC के अंदर जाती है। ठीक है, ये जो पत्थर लगा है ना, ये IC है हमारी, ये IC के अंदर VGS जा रहा है, यहाँ से फिर आउट होके दूसरे वाले कॉप पे जा रहा है, साइड कॉप पे, ये IC के अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ से आउट नहीं कर रहा, तो हमारा ये साइड कॉफ ही ख़राब होगा 99%। ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है, हमारा पिक्चर काम कर रहा है,
साइड काफ़ी ख़राब रहेगा इसका, लेकिन अभी साइड कॉफ नहीं चेंज करेंगे, अपन यहाँ से डायरेक्ट जम्फर देंगे, ये बीजेच का जम्फर जो है, और यहाँ जो स्केलर में हमारा बीजेच लिखा हुआ है कहाँ पे, ये है, ये जो है बीजेच, यहाँ पे जम्फर मारेंगे। तो चलिए जम्फर मार के दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो दोस्तों हमने कैसे जम्फर लगाया बीजेच पे, ठीक है। और यहाँ हमारा यहाँ पे बीजेच पे लगा दिया, ठीक है यहाँ पे। चलिए इसको चालू करके देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो पैनल एकदम ओके हो गया, ठीक है। ये जो अंधेरा आ रहा है इधर, तो पहले भी वीडियो में बताया था हमारी जो ये बैकलाइट टेबल है आधी लाइट जल रही है आधी नहीं जल रही है, ठीक है, उधर की नहीं जल रही है यहाँ की जल रही है। रोशनी देख सकते ज़्यादा है उधर कम है, ठीक है। लेकिन पैनल हमारा देख सकते एकदम ओके हो गया, एक भी लाइन नहीं है पूरे डिस्प्ले में, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।